हेलो दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने एक नया भजन लेकर। इस भजन की विशेषता यह है कि भजन के शब्द बड़े ही सुंदर है, हर एक शब्द में जान है। मुझे उस लेखक को साष्टांग प्रणाम करने की इच्छा होती है कि इन्होंने इतने सुंदर शब्द दिए। गीत का जो सार है वो है कि हम भक्त किस लिए कहलाते हैं। हम भक्त इसलिए कहलाते हैं कि भगवान है, इसलिए हम भक्त कहलाते हैं। मगर आज भगवान को भी हक से कहना है कि भगवान, आप भी भगवान इसलिए कहलाते हो क्योंकि हम भक्त है। अगर हम भक्त नहीं होते तो आप भगवान कहां से होते। ये शब्द आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाले हैं, पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है। मैं विकी पारिक और वीडियो पे वंस अगेन हमारे गौतम जैन। होप आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप प्लीज 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 इसको शेयर कीजिए। शेयर करना ना भूले। लीजिए संदेह। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्ति नहीं होती भगवान कहाँ होता। जब भक्ति नहीं होती भगवान कहाँ होता। तेरी मेरी समस्या का, तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। भक्त हुए लाखों और भक्ति भी करते हैं। तो आप सभी से एक सवाल, बताइए दुनिया में सबसे बड़ा भक्त कौन है। कौन? उस हनुमान जैसा। उस हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होता। अरे हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होता। जब भक्ति नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्ति नहीं होते भगवान कहाँ होता। दान हुए लाखों और दान भी करते हैं। दान हुए लाखों और दान भी करते हैं। दान हुए लाखों और दान भी करते हैं। तो बताइए दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा। उस कन्या दान जैसा। उस कन्या दान जैसा कोई दान कहाँ होता। उस कन्या दान जैसा कोई दान कहाँ होता। जब भक्ति नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्ति नहीं होते भगवान कहाँ होता।
हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं। ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं। ज्ञानी हुए लाखों और ज्ञान भी देते हैं। तो बोलो बोलो, दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? सोचो जरा। उस रावण के जैसा, उस रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होता। उस रावण के जैसा कोई ज्ञानी कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। सत्यवादी हुए लाखों और सत्य भी कहते हैं। सत्यवादी हुए लाखों और सत्य भी कहते हैं। सत्यवादी हुए लाखों और सत्य भी कहते हैं। तो बोलो, दुनिया में सबसे बड़ा सत्यवान कौन? ये तो जानते होंगे। राजा हरिश्चंद्र जैसा, राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान कहाँ होता। राजा हरिश्चंद्र जैसा सत्यवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। सो दोस्तों, होप आपको बहुत अच्छा लगा हो। वाकई में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जैन गुरु गणेश और जैन भक्ति सॉन्ग। दिल से अगर अच्छा लगा हो, इसके शब्द अच्छे लगे हो और अगर थोड़ी मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको शेयर कीजिए। पूरी उम्मीद है दोस्तों आप शेयर करोगे, क्योंकि ये अच्छा कॉज है। प्लीज सुनते रहिए। मैं विकी पारिक आप सभी को जय जिनेन्द्र करता हूँ। जय जिनेन्द्र।